भूरिशस्तम क्रतुः स्वरुः येषाम् इन्द्रो युवासखा मंत्र येषाम् जिनका इन्द्रो परम ऐश्वर्यवान युवा मिलनशील सखा मित्र है येषाम् इनका ग्रहण वृद्धिशील वृद्धिकर्ता इति इदम् प्रकाश भूरि बहुत शस्तम प्रशंसित क्रतुः विस्तृत स्वरुः वाणी है भावार्थ इंद्र अर्थात ऐश्वर्यवान परमात्मा चिर युवा है वह जिनका सखा है मित्र है उनको कोई अभाव हो नहीं सकता। धातुवादी नियुक्त एषाम सर्वनाम ग्रहण ग्रह वृद्धि होना शब्द करना इत अव्यय इदम इधि इंद्र प्रदीप्त होना प्रकाशित होना भूरि अव्यय शस्तम शंस प्रशंसा करना प्रथुः प्रत विस्तार होना सरुः शब्द करना ये शाम सर्वनाम इंद्रो इन परमेश्वरे होना युवा यू संयोग वियोग करना मिश्रित करना अलग करना सखा सख मित्र होना ओम खम्र यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 24 ओम ब्रहन इत एदम एसाम भूरिशस्तम प्रतुः स्वरुः येषाम् इन्द्रो युवा सखा ब्रहन ब्रह धातु है वृद्धि करना इसी ब्रह धातु से ब्रह्म ब्राह्मण जैसे शब्द बनते हैं ब्रह इसी में मा प्रत्यय लगेगा तो ब्रह्म हो जाएगा तो ब्रह धातु में यहां पर यह अन प्रत्यय है ब्रहन वृद्धि करते हुए पठन पढ़ते हुए गच्छन जाते हुए ये पढ़ता हुआ जाता हुआ करता हुआ ये अन प्रत्यय लगता है क्रिया के सतत होने के अर्थ में अर्थात जब क्रिया सतत निरंतर लगातार हो रही हो तो ये अन प्रत्यय लगता है। यह एक लकार क्रिया का एक रूप होता है। इत अव्यय निपात कह लें ही ब्रहन ही वृद्ध करते हुए ही इद्म इद्म प्रकाश इधि इंध प्रकाश करना धातु है प्रकाश करो का अर्थ भी हो सकता है प्रकाशित होते हैं इस प्रकार भी अर्थ कर सकते हैं क्रियामान का और इसे हम विशेषण के रूप में भी मान सकते हैं तो इसका अर्थ होगा प्रकाश वृद्ध करते हुए ही प्रकाश ये शाम इनका ये तो सर्वनाम है स्पष्ट कहते हैं वृद्ध करते हुए ही इनका प्रकाश भूरि बहुत शस्तम शस्तम का अर्थ शस धातु प्रशंसा करने के अर्थ में ही ग्रहण करें प्रशंसित शस्तम प्रशंसित देखिए इसमें वही उपसर्ग नहीं है संसा प्रशंसा अनुशंसा ये शब्द हमारे वर्तमान लोक भाषा में प्रचलित तो हैं परंतु उपसर्ग के साथ अधिक प्रचलित है संसा से हम लोग उतना परिचित नहीं है जितना प्रशंसा से परिचित हैं
अनुशंसा भी कुछ कुछ परिचित है। वेद में उपसर्ग नहीं भी होते हैं, धीरे धीरे परिवर्तित काल में लौकिक संस्कृत में और वर्तमान आधुनिक भाषाओं में उपसर्ग बिल्कुल चिपकते गए, उनके बिना जैसे अर्थ या वो शब्द अपरिचित सा लगता है। तो कह रहे हैं भूरि सस्तम पृथु स्वरू, पृथु पृथ धातु है, विस्तृत होना, पृथु का अर्थ विस्तृत, स्वरू वाणी, ये स्वरू स्वर शब्द जैसे आप सुनते हैं ना, स्वर व्यंजन वर्णमाला में भी होते हैं, इनका स्वर अच्छा है, ये स्वर का अर्थ शब्द करना है। वर्णमाला में स्वर व्यंजन कहा गया है, व्यंजन का उच्चारण भी स्वर की सहायता से ही होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं वर्ण में स्वर होना अनिवार्य है, व्यंजन भी हो सकता है परंतु स्वर न हो तो व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, अतः वर्ण में स्वर होना अनिवार्य है, व्यंजन हो भी सकता है और नहीं भी। वेद मंत्रों में जो हम कहते हैं गायत्री छंद है, इसमें आठ आठ वर्णों के तीन चरण हैं, तो ये वर्ण गिने जाते हैं, आप सरलता से सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं केवल स्वर गिने जाते हैं, व्यंजन नहीं गिने जाते। जो हम कहते हैं इस गायत्री छंद में आठ आठ वर्णों के तीन चरण हैं, अर्थात आठ आठ स्वरों के तीन चरण हैं, व्यंजन जितने भी हैं गिने केवल स्वर जाएंगे, क्योंकि उच्चारण तो स्वर से ही होगा, स्वर विहीन उच्चारण तो संभव नहीं है। तो स्वर इसका अर्थ भी हुआ शब्द वाणी, ये श्री धातु है जिसका अर्थ है शब्द का। तो ये साम इंद्रो युवा सखा, ये साम जिनका, इंद्रो इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर हम जानते हैं, यदि इंद्र परमेश्वर धातु है, इंद्र धातु का अर्थ परमेश्वर होना, इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर, युवा मिलनशील, युव धातु का अर्थ है मिलना मिलाना अलग करना भी है, तो युवा का अर्थ यहां पर हम मिलनशील कर सकते हैं, सखा मित्र जिनका वो इंद्र परमेश्वर मिलनशील सखा है मित्र है, वह इंद्र परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वरवान परमेश्वर है, जो समाज में भी परमेश्वर हैं परमेश्वरवान हैं, जिनके पास विविध प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उनको भी हम इस समाज में लौकिक अर्थ में इंद्र कह सकते हैं, वे जिनके मिलनशील मित्र हों, जिनसे मिलते रहते हों ऐसे मित्र हों, जिनसे हम मिल सकें ऐसे वो हमारे निकट मित्र हों, तो क्या कहना, कहते हैं तो क्या होगा, ये साम इंद्रो युवा सखा जिनका वह परमेश्वर मिलनशील मित्र हो जाए तो ब्रहन इत इदम ए साम इनका वृद्ध करता हुआ ही प्रकाश होता है, उनका प्रकाश बढ़ता जाता है। भूरि सस्तम पृथु सरु, भूरि का अर्थ बहुत, सस्तम प्रशंसित विस्तृत वाणी हो जाती है, इनका वह परमेश्वर सखा हो जाए, परमेश्वरवान लोग जिनके निकट मित्र मिलनशील सखा हूं मित्र हूं, तो उनका प्रकाश निरंतर बढ़ता रहता है, उनकी वाणी विस्तृत बहुप्रशंसित होती है, यह इस छोटे से गायत्री मंत्र का बहुत सुंदर सा संदेश है। मित्रता करें तो उस परमेश्वरवान से करें तो सब कुछ स्वतः प्राप्त होता है। इस मंत्र का भाव यहां पर एक प्रकार से पूर्ण होता है। तो कोमल बताएं अभी आगे की चर्चा करेंगे या अगला मंत्र किया जाए?
जी, इस मंत्र को लेकर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए अभी, अन्यथा गुरु जी फिर हम आगे का ही करते हैं। समय है पर्याप्त, छोटा सा मंत्र अगला भी गायत्री ही है। जी गुरु जी, आगे का ही कर लेते हैं। तो यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 25, ओम इंद्र आई मत्सी अंदसो विश्वे भी सोम पर्व भी महान अभिष्टि ओजसा। इंद्र संबोधन में है, इंद्र परमेश्वरवान आई ही आइए, इसको समझ लें। ये आइए जो हम लोग बोलते हैं इस समय, ये आई ही उसी का वैदिक रूप है, आइए उसी का अभ्रंश है, आ उपसर्ग है, ई धातु का अर्थ है जाना चलना, आ उपसर्ग के साथ जाने चलने की अर्थ वाली धातु हो तो उसका अर्थ आना होता है। आई ही आइए, मत्सी आनंद में, मत धातु का अर्थ आनंद है, आनंद होना पहले भी चर्चित है, पहले भी मंत्र में अभी आया है। मत्सी आनंदित तृप्त होते हो, ये क्रिया के रूप में यहां ग्रहण किया गया है। जैसे पठसी पढ़ते हो, गच्छसी जाते हो, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया का रूप माना गया है। मत धातु का अर्थ आनंद करना है, आनंद होना है, तो मत से आनंदित होते हो, तृप्त होते हो। अंधसो, अंध शब्द की भी चर्चा अभी हम लोगों ने कल की है, अंध धातु का अर्थ है प्राण होना, उन प्राणों को धारण करने वाला साधन अन्न, और अन्न शब्द स्वयं भी इसी अन्न, प्राण होना जीवन होना धातु से ही अन्न शब्द भी बना है, और उसी से ये अंधसा शब्द भी बना है। तो कह सकते हैं अन्न से, प्राण धारण से विश्व भी सभी, विश्व का अर्थ सभी सर्वनाम है ये, सोम पर्व भी, ये अच्छा शब्द है समझने योग्य। सोम पर्व भी, इसमें दो शब्द हैं, समास है। सोम पर्व भी, सोम के पर्वों द्वारा, तो दो शब्द हो गए सोम और पर्व, इन्हें समझना है। सोम क्या है? सोम शब्द सुधातु से बनेगा, सुधातु ऐश्वर्य प्रसवे, सुधातु का अर्थ हुआ ऐश्वर्य होना और उत्पन्न करना, सृजन करना, तो सृजनशील ऐश्वर्यवान, सुधातु का अर्थ प्रेरणा करना, तो इसका भी अर्थ हो गया प्रेरक। सोम शब्द में ऐश्वर्य सृजन प्रेरणा तीन अर्थ समाहित हैं। इन तीन से युक्त जो है वो सोम है, अतः हम कहते हैं कि सोम भी परमात्मा का एक नाम है, जैसे उसके अनेक नाम है, इंद्र विष्णु शिव आदि गुणवाची नाम है, वैसे ही एक गुणवाची नाम सोम भी है, ऐश्वर्य सृजन प्रेरणा के रूप में सोम उस परमेश्वर का नाम है, और सोम पर्व भी सोम के पर्वों द्वारा। अब ये पर्व क्या है ये अवश्य देख लेते हैं। पर्व धातु है, इसका अर्थ होता है पूर्ण करना, विभाग करना, एक विभाग पूर्ण हुआ, यहां ये पूर्णता आ गई। पर्व विभाजन के बिंदुओं को भी कहते हैं, इसका भ्रंश है पोर, उंगलियों के पोर, सुना होगा उंगलियों पर हम गणना करते हैं तो पोरों से गणना करते हैं,
वर्ष में हम अनेक पर्व मनाते हैं। ये पर्व क्या है? विभाजन के बिंदु। भाई अब ये पर्व हो गया, अब अगला पर्व ये आएगा, उसके बीच में इतना समय है। वर्ष को ये कुछ भागों में उल्लास के बिंदुओं में विभाजित कर देते हैं। महाभारत में 20 पर्व हैं। पर्व का अर्थ भी विभाग हो गया, पूर्ण करना, विभाग करना। एक विषय, एक बात यहां पूर्ण हुई, एक पर्व पूर्ण हुआ, अब अगला पर्व प्रारंभ होगा। तो ये पर्व है, धातु है, उसका ये अर्थ है। सोम पर्व भी, सोम के पर्वों के द्वारा, सोम के पर्वों के साथ, उस परमेश्वर के ये पर्व हैं, ये जो पर्व उल्लास के क्षण हमको प्राप्त होते हैं, जीवन के ये विभाग जो हमें प्राप्त होते हैं, ये सृष्टि के पूर्णता, ये पर्व, ये विभाग जो हमें प्राप्त हुआ है, ये सोम के पर्व हैं, इनके द्वारा, इनके साथ विश्व भी, अर्थात सभी, सोम के इन सभी पर्वों के साथ अंधसो अर्थात अन्य प्राण जीवन के साथ आइए आनंद करें, आनंदित हो। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, आइए और इन सोम पर्वों के साथ आनंद करो। वो परम ऐश्वर्यवान है, यहां पर इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। संपूर्ण वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कुछ हो सकता है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को समझे बिना वेद को नहीं समझा जा सकता, ऐसा एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मेरा अनुभव है। आदित्य, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आधिलौकिक, विविध प्रकार के जो अर्थ निकलते हैं, ये श्लेष अलंकार ही इनका मूल है। अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होना, यही श्लेष अलंकार है। इंद्र परम ऐश्वर्यवान है, वह परमेश्वर परमात्मा है। समाज में जो विद्वान देवजन परम ऐश्वर्यवान है, जिनके पास विद्या सद्गुणों का ऐश्वर्य है, वे इस समाज के इंद्र हैं। वही समाज के सोम भी हैं, जिनके अंदर सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का भाव है, जो हमारे लिए सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का कारण बनते हैं, वे समाज के देवजन भी सोम हैं। और ऐसे सोम, ऐसे सभी सोम पर्वों के साथ हम कह रहे हैं, हम सब प्राणवान होकर आइए आनंदित हो, आनंद करें। महान अभिष्टि ही हो जैसा, महान हम सब जानते हैं, अभिष्टि, अभिष्टि जो हमारा अभिष्ट है, जो हमारी इच्छा है, प्रमुख इच्छा है, अभिता सर्वता सब ओर से इस इच्छा करना, इसमें इस धातु इच्छा करना, अब ये वैदिक प्रयोग है, अभिष्टि बन गया है। महान अभिष्टि ओजसा, ओजसा तृतीया एक वचन है, ओज के साथ, ओज के द्वारा आइए हम सब ओजस्वी हों, ऊर्जावान हों, अपने महान अभिष्ट को प्राप्त करें। सोम पर्व के साथ, सभी सोम पर्वों के साथ प्राणवान होकर आइए हम सब आनंदित हो, आनंद करें। उस इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर का स्मरण करें, और जो समाज में परमेश्वरवान हमारे अग्रणी देवजन हैं, जो इंद्र हैं, जो सोम हैं, उनके साथ इस जीवन के आनंद को प्राप्त करें। अब हम यहाँ अपनी बात को विराम देंगे, जिसका जो भी प्रश्न हो, जो विचार हो, अब आप लोग रख सकते हैं। ओम खम रम, बोलिए।
गुरु जी, ईश्वर से मित्रता करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? किसी से भी मित्रता करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? जो उसका गुण कर्म स्वभाव विचार है, यदि हम उसके अनुकूल हैं तब तो मित्रता संभव है, यदि उसके प्रतिकूल हैं तो कैसे संभव है? हम लोग तो वैदिक हैं, कोई व्यक्ति जो वेद विरोधी हो उससे मेरी मित्रता तो नहीं हो सकती, ये तो निश्चित है। तो यदि किसी को हमसे मित्रता करनी है तो उसे वैदिक होना होगा, वैदिक विचार को मानना अपनाना होगा, वेद को जीवन में अपनाना होगा, तभी हम उसके मित्र हो सकते हैं। तो ईश्वर से मित्रता करनी है तो जो ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव है वे हमें भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनाना होगा। यही तो हम प्रत्येक मंत्र में कहते हैं, हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं कि हे परमेश्वर आप ऐसे ऐसे हो, आप में ये गुण है। उसका भाव यही होता है, परमेश्वर में तो सारे गुण हैं, उसको इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम उसे सुनाएं, उसकी प्रशंसा करें कि हे परमेश्वर आप तो बड़े गुणवान हैं। वेद मंत्रों में उसके गुणों की स्तुति का भाव ही यही है। जब हम कहते हैं परमेश्वर में ये गुण हैं, तो उन गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना है, तभी तो हम उसके उपासक बन सकेंगे। यही उपासना है, उन गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करें, यही परमेश्वर की उपासना है। इसी से हम परमेश्वर के निकट हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं, उसके सखा बन सकते हैं। ओम। जी गुरु जी, किसी अन्य का प्रश्न हो तो कर लीजिए। स्वामी जी, ईश्वर से डरना चाहिए क्या? और यदि डरना जरूरी है तो फिर प्रीति कैसे होगी ईश्वर से? देखिए, ईश्वर से डरने की आवश्यकता हमें तो नहीं है, मैं तो ईश्वर से नहीं डरता, मैं ईश्वर से क्यों डरूं? ईश्वर हमारा शत्रु नहीं है, ईश्वर में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जिससे हमें डरना पड़े। जो समाज के बुरे लोग हैं उनसे हमें डर लगता है, उनसे हम डरते हैं। हम सज्जनों से नहीं डरते, हम देवजनों से नहीं डरते, हम ईश्वर से भी नहीं डरते, हम ईश्वर से क्यों डरे भाई? ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, ईश्वर हमारा सखा है। अभी कहा गया यसा इंद्रो युवा सखा, वह इंद्र परमेश्वर तो हमारा सखा है, हमारा मित्र है, तो मित्र से डरना क्यों? कोई मित्र से डरता है क्या? जिससे हम डरते हैं वो हमारा मित्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या तो भय होगा या मित्रता, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? जिससे हम डरते हैं उससे मित्रता नहीं हो सकती। डरे डरे से उसकी बात हम सुनते रहेंगे, मानते रहेंगे, विवशता समझकर कि नहीं मानेंगे तो ये हमें कुछ हानि पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। हम स्वतः ईश्वर के सद्गुणों को, उसके मार्गदर्शन को अपनाते हैं, जिससे हमें जीवन में सुख आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से डरने का कोई कारण मुझे प्रतीत नहीं होता। तो स्वामी जी, एक जगह मंत्र पे आया था माई विवाह, तो माई विवाह का अर्थ क्या होगा वहां पे? जब वो मंत्र आएगा तब दिखाइएगा, बताइएगा, इसे थोड़ा समझने में कठिनाई है। लिख दीजिएगा वेद कक्षा क्रांति में, तो प्रयास करेंगे खोजने का क्या है। जी स्वामी जी, मैं मंत्र भेज दूंगा, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। गुरुजी, इसमें पर्व का अर्थ था पूर्ण करना, तो हम जो त्योहार मनाते हैं आदि, ये होता है, वहां भी बोलते हैं कि पर्व है, तो वहां पे इसका अर्थ क्या लिया जाएगा? जी, मैंने कहा पूर्ण करना, विभाग करना, दोनों ही अर्थ हैं। एक विभाग का पूर्ण होना उसका यह अर्थ है, ऐसा मान।
ऐसा मैंने कहा ना महाभारत में 20 पर्व हैं, सामवेद में भी ऐन्द्र पर्व आग्नेय पर्व ऐसे पर्व हैं। तो एक विषय एक विभाग पूर्ण होता है, दूसरा विषय विभाग फिर प्रारंभ हो जाता है, फिर वो पूर्ण होता है। तो पूर्ण होना और विभाग होना ये दोनों ही अर्थ उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो जो हम लोग पर्व मनाते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उल्लास की उत्सव का एक पूर्णता भी है कि भाई ये पर्व आज पूर्ण हुआ। अभी एक पर्व होता है अगले की तैयारी प्रारंभ हो जाती है, भाई ये पर्व हो गया अब अगला पर्व ये आना है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही अर्थों में ये चलता रहता है, पूर्णता और विभाग ये अर्थ हैं। और समानता ये पर्व आदि का प्रयोग जिस तरह से हम लोग करने लगे हैं, कहें कि उसमें उल्लास का अर्थ भी जुड़ गया है, यद्यपि धातु अर्थ नहीं है, लोक व्यवहार में उसमें उल्लास का उत्सव का अर्थ भी जुड़ गया है। धातु अर्थ नहीं है ये भी स्पष्ट कर दें, परंतु लोक व्यवहार में जब वो व्यवहार आने लगता है तो वो चीजें जुड़ती जाती हैं। ओम जी गुरु जी धन्यवाद। आप विदुषी कुछ कह रहे हैं तो बताएं। गुरु जी मित्रता क्या होती है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, इसका जो भी शाब्दिक अर्थ वगैरह है। देखिए मित धातु है स्नेह करना, इतना ही अर्थ है, जिनसे हमें स्नेह है। अब स्नेह का भाव तो हम सब समझते ही हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे स्नेही स्वजन हैं वे मित्र हैं। मित्रता का भाव यही है कि उनसे हमारा स्नेह भाव है, आत्मीयता है, अपनापन है, समानता का भाव है। जैसे भी उन्होंने कहा मित्र से भय नहीं होता, कोई मित्र से डरता है नहीं डरता, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मित्रता में आयु में कुछ अंतर हो सकता है, योग्यता में अन्य बातों में अंतर हो सकता है, लेकिन जब हम मित्र होते हैं एक मित्र की तरह मिलते हैं व्यवहार करते हैं तब हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि हम आयु में कितने छोटे बड़े हैं, धन संपत्ति में कितने छोटे बड़े हैं, योग्यता विद्या में कितने छोटे बड़े हैं, ये सारी बातें पीछे चली जाती हैं। मित्रता में एक समानता खुलेपन निश्चल निष्कपट व्यवहार का भाव होता है, ये हमें समझना चाहिए। हम सबका अनुभव है, ये कोई कहने बताने कोई सिद्धांत शास्त्र चर्चा की बात नहीं है, ये तो हम सब नित्य अनुभव करते हैं। जी गुरु जी ये शेयर करना था सोशल मीडिया पर इसलिए प्रश्न किया, धन्यवाद जी। तो और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं अन्यथा समापन करें। जी किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। गुरुजी फिर हम समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते जी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी साथी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम नमस्ते ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम खं ब्रह्म नमस्ते सभी साथियों को।
कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम नमस्ते सभी सहयोगियों को, शुभ रात्रि।